सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पंडित रघुनंदन पेंडसेकर जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। चिन्मय विश्वविद्यापीठ, चिन्मय नाद बिंदु गुरुकुला, आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि पंडित जी ने अपना समय हमारे लिए आज निकाला और इतने अनुभव सिद्ध कलाकार आज हमारे यहाँ पधारे हैं अपना सांगीतिक चिंतन प्रकट करने के लिए। और उम्मीद है हम बहुत बहुत, मैं बचपन से उनको सुनता आ रहा हूँ, उनके आवाज का मैं विशेष तौर पर बहुत ही ज्यादा फैन हूँ, गायकी का भी। तो मैं एक उनका संक्षिप्त परिचय देता हूँ। वैसे तो हर घर में जहाँ पे शास्त्रीय संगीत सुना जाता है पंडित जी का परिचय है ही। आपका जन्म मराठी नाट्य सृष्टि के ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व श्री प्रभाकर पणशीकर जी के घर में हुआ और बचपन से ही आपने संगीत की तालीम पंडित वसंतराव कुलकर्णी जी से ली। इसके बाद संगीत क्षेत्र का बहुत ही बड़ा नाम गाना सरस्वती किशोरी आमोणकर जी की तालीम आपको लगभग 20 साल मिली और साथ ही उनकी माताजी गाना तपस्विनी मोगुबाई कुरुडीकर जी से भी आपको सीखने का मौका मिला। जाहिर ही बात है कि इतने बड़े गुणी कलाकारों से ज्ञान पाने के बाद पूरे संसार में आपने एक गायक के रूप में अपना नाम बनाया। बहुत ही आज के शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में आपका एक विशेष स्थान है। गायकी के साथ आपने म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्शन का भी काम किया है। आपने बहुत से स्पिरिचुअल एल्बम्स को और स्पिरिचुअल कॉम्पोजिशंस की है, संगीत दिया है। आपने जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, जैसे कौशल इनामदार है, नीलेश मोहरीर है, और आपकी कई एल्बम्स प्रसिद्ध है। आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है जिसकी मैं सूची नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन प्रभा अत्रे गौरव पुरस्कार, श्रीमती माणिक वर्मा पुरस्कार, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ऐसे बहुत ही बड़े सम्मानों से आपको नवाजा गया है। साथ ही लाइट म्यूजिक और थिएटर के फील्ड में भी आपको जी गौरव, महाराष्ट्र टाइम्स, ऐसे बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। आपने संगीत नाटकों को भी संगीत देने का कार्य किया है और आप बहुत ही अच्छे गुरु हैं, गुरु के रूप में भी आपकी बहुत ख्याति है। ये बहुत ही संक्षिप्त परिचय है, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपका परिचय दूं। आपको बस प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं इस कला संवाद में। हम सभी स्टूडेंट्स जो चिन्मय विश्वविद्यापीठ में सीखने सिखाने का काम करते हैं, आपसे आपकी जो यात्रा है, संगीत यात्रा, उससे उसे जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक नजरिया जो आपको गाना सरस्वती जी से मिला उसे हम जानकर अपने रियाज में, अपने साधना में कैसे उसको ढाले, कैसे उससे लाभान्वित हो। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उपकृत कीजिए। तो पंडित जी, ऐसे शुरू करते हैं कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि आपका घर ऐसे वातावरण में था जहाँ पे नाट्य क्षेत्र ज्यादा प्रभावी था, क्योंकि आपके पिताजी ही एक बहुत ही जाने माने अभिनेता थे। तो आपके गाने की शुरुआत मतलब कैसे हुई, क्या कि वो अभिनय का जो क्षेत्र था, तो क्या बचपन में आपको भी किसी ने कहा कि ये तो, मतलब हमारे यहाँ पे मराठी में कहावत है कि जो गाना रहता पर सुरात रड़ता, जो गाने वाले का बच्चा होता है कि वो रोता भी सुर में है। तो वैसे अभिनेता का जो बेटा है वो भी अभिनय करेगा, क्या ये कभी अपेक्षा हुई आपसे? हाँ जी,
बहुत ही अच्छा पूछा है, और आपने पूछने के बाद मैं इतना पीछे चला गया, तो वही मैं उसी के बारे में मैं सोच रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वैसे तो देखिए क्या होता है कि सिर्फ पिताजी तक अगर हम बोलेंगे तो हमारा घर जो है वो नाटक का वातावरण वहां पे था। तो इससे हम एक दो चीजें देखते कि इसके पहले हमारे घर में क्या था। तो पिताजी को ये अक्सर पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, यानी कि मेरे खापर पंजोबा हम जिनको बोलते हैं, वो वासुदेव शास्त्री पंचीकर थे। तो वासुदेव शास्त्री पंचीकर जी ने संस्कृत विश्व में इतना काम किया है कि आज किसी भी आप संस्कृत जो जहाँ पे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, उनके घर में आप वासुदेव शास्त्री पंचीकर यह नाम अगर सुनेंगे तो ऐसे लोग जैसे हम गुरु के बुजुर्ग के नाम सुन के करते हैं, वैसे वो यानी कि हमको भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम उनके प्रपौत्र है। तो ये उनका सब यह था। तो उनका संस्कृत में वो प्रकांड पंडित थे, उनसे उन्होंने जो 300 ग्रंथ संपादित किए थे, यानी कि जिसको बोलते हैं सटीक और शुद्धता, शुद्धता उनकी सबसे खासियत थी। तो हमारे घराने के जो सबसे बुजुर्ग और स्टार, जिनकी 300 ग्रंथ लंदन की सिटी लाइब्रेरी में है, वाह, जो तो वासुदेव शास्त्री पंचीकर आप अगर नाम डालेंगे तो पूरी सूची आती है, गूगल में भी है वो। तो उनके बाद उनके ये यानी कि मेरे ग्रैंडफादर, तो वो भी प्रकांड पंडित थे। उसके बाद में पिताजी ने पूरा क्षेत्र ही बदल दिया, गाना नाटक कर दिया। तो पिताजी को ये अक्सर पूछा जाता था कि आपका ये दशग्रंथी ब्राह्मण संस्कृत और ये जो आपका ये परिवार है, ये छोड़ के आप नाटक में कैसे आए। तो उसका जवाब वो हमेशा देते थे कि ये नाटक जो है उसको पंचम वेद बोला गया है, तो शायद मेरी उपासना वो है, इसलिए मैं वहां पे वाह चला गया। तो वाह वाह। जैसे ये भी आपने जैसे पूछा कि आपके घर में नाटक है तो आप गाने में कैसे चले गए, तो अगर संस्कृत और ये पंडितों का मार्ग छोड़ के नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा बाजू में हट के जाके अगर नाटक हो सकता है, तो शायद मेरे हिस्से भी संगीत लिखा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जी और मेरे एक छोटी सी ये है, मेरे जो क्या बोलते हैं ग्रैंडफादर, तो वो यानी कि वो विष्णु शास्त्री पंचीकर, वो पलुस्कर साहब को संस्कृत सिखाने के लिए जाते थे। वाह, तो संस्कृत उनका स्नेह बहुत था। तो मेरे जो मैंने बोला कि खापर पंजोबा, वो वासुदेव शास्त्री, उनका और पंडित पलुस्कर जी का भी बहुत स्नेह था, क्योंकि तीसरा गांधर्व महाविद्यालय जब उसका समारोह वार्षिक था, तो उसके प्रमुख अतिथि मेरे वासुदेव शास्त्री जी थे। तो वाह वो जब जाते थे सिखाने के लिए, तो उनको लगता था कि हमारे घर में गाने वाला क्यों नहीं हो रहा है, हमारे घर में गाने वाला क्यों नहीं हो रहा है। तो उनको वो हमेशा बोलते रहते कि अपने अपने घराने में भी गाने वाले होने चाहिए, गाने वाला होना चाहिए। तो शायद उसी उनकी इच्छा का स्वरूप हमारे घराने में 7-8 लोग हम गाने वाले हैं। तो वाह, मेरी बहन, मेरे चाचा जी, उनके लड़के, तो ऐसे सब कोई ना कोई गाने में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यह उनकी इच्छा स्वरूप हमारे घराने में ये गाना भी आ गया। तो संगीत सेवा के लिए हम जो 5-6 लोगों को चुना है, तो उसमें हम वैसे सम्मिलित हो गए। तो घर में आपके मतलब आपके आप में ये हुनर छुपा है, तो ऐसी बात या इसे भेजना चाहिए सीखने के लिए, तो ऐसा किस कारण, कैसे पता चला या कुछ ऐसा? देखिए क्या है, वैसे कुछ कुछ बातें तो मुझे भी नहीं मालूम। जैसे मैं स्टैंडर्ड 3 में था, तीसरी यत्ता में जब मैं था, तब मुझे हमारे जो आगाशे गुरुजी है, उन्होंने मुझे नाटक के लिए चुन लिया, जिसमें गाना और एक्टिंग दोनों था। अच्छा, वाह उन्होंने उन्होंने क्या सोच के मुझे गाने में बुलाया मुझे भी याद नहीं है। उन्होंने क्या गाना मेरा सुना, तो तीसरे में था तो अपेक्षा भी नहीं कर सकता मैं, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं नाटक में काम कर रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, तो ये दोनों मेरा उस टाइम मुझे भूमिका मिली थी नारद की। तो मैं नारद की भूमिका करता था वो नाटक में, और गाना भी उसमें था। तो वही यानी कि परमेश्वर भक्ति का ही मैं प्रसार वो नाटक से, ऐसे मैंने शुरू किया, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन ये मुझे मालूम नहीं था। उसके बाद फिर पिताजी को ऐसे लगा कि थोड़ा सा इसको गाने का करना चाहिए। तो उस टाइम में वसंतराव जी के पास जाने लगा, और उसी टाइम में कटियार कालिदास भोंसले, ये हमारा जो शो है, तो उसमें मैं छोटा छोटे बच्चे का रोल भी मैं करता था। तो उसमें भी गाना और बोलना, ये दोनों साथ में होता था।
तब मेरी 10-11 साल की उम्र रहेगी, तो जी वो मैं उस टाइम करता था, लेकिन तभी मैंने गाना प्रोफेशन ऐसे कभी सोचा नहीं था। जी तो जी वसंतराव, पंडित वसंतराव कुलकर्णी एक बहुत ही जाने माने गुरु थे उस जमाने के, जो ग्वालियर आगरा परंपरा से थे। तो जी जी कैसे उनका और आपका मतलब, क्या उन्होंने आपकी परीक्षा ली, या आपके पिताजी को जानते ही थे तो कोई उसकी कुछ ये नहीं नहीं, कि आप? वो परीक्षा वगैरह ऐसे नहीं लेते थे, लेकिन एक उनकी खासियत सबसे ये है जो मुझे किशोरी जी ने बताई। तो उस टाइम तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था, जैसे हफ्ते में हम 2 बार जाते ना क्लास के लिए, वैसे मैं जाता था, लेकिन किशोरी जी हमेशा बोलती थी कि वसंतराव जी ने इतना अच्छा तुमको सिखाया है कि कोई भी सबसे गाने में इम्पोर्टेंट क्या होता है, डिफेक्ट। तो तुम्हारे गले में कोई डिफेक्ट नहीं किया उन्होंने क्रिएट, तो जो कुछ है वैसे के वैसे रखा, इसलिए मुझे तुमको गाना सिखाने में बहुत आसानी होती है। तो ये वसंतराव जी का योगदान था, जो हम उस टाइम अननोन थे, लेकिन उन्होंने जो हमको तालीम दी है कि रागों का परिचय, रियाज कैसे करें और कैसे प्रस्तुत करें गाना, तो इस जो 2-3 साल में उनके पास था, तो मैं ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, हम वो तैयार होती थी। और यानी कि उनका गाने सिखाने का तरीका ऐसे था कि जिसको गायक के जिसको बोलते हैं ना कि डिफेक्ट कोई भी पैदा नहीं हो गया उस टाइम, तो ये जी बहुत ही गुरु का पहला कर्तव्य है कि स्टूडेंट के गले में डिफेक्ट पैदा ना हो अपनी गलती की वजह से। जी जी तो वसंतराव जी के पास आपकी तालीम चल ही रही थी, तो किशोरी ताई के पास जाके गाना सीखना, जी ये प्रेरणा आपके मन में जी कैसे आई? कैसे ये आपको लगेगा कि ये बहुत स्टोरी स्टोरीज है इसमें, तो अभी मैं जब देखता हूँ तो ये सब कैसे हुआ होगा उस टाइम, तो ये मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है। ये सब चीजें जब अभी देखता हूँ तो ये कैसे घटी होंगी, कैसे मुझे लगा होगा। तो जैसे मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। तो जैसे 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 मैं वसंतराव जी के पास सीख रहा था उस टाइम, मैं स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जा रहा था, तो मुझे बोला गया माता जी ने कि आप अभी अपनी कंपनी का काम देखा करो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अपनी एक नाटक कंपनी है पिताजी के, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हम सीख लेंगे। उसी दरमियान पिताजी ने एक नाटक का निर्माण किया था जिसका नाम था तुझी वाट वेगड़ी। वही नाटक के लिए उसके म्यूजिक डायरेक्टर किशोरी जी थी, तो अच्छा मैं थोड़ा बहुत गाना जानता था, तो मुझे पिताजी ने बोला चलो तुम गाना जानते हो तो उनकी मदद करो, उनको कोई टैक्सी मंगाना हो, उनको रिकॉर्ड करना हो, हारमोनियम बजाना हो, जो कुछ है उनको मदद करो। तो उस टाइम से मैं उनको मदद करने के लिए जाता था, तो तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं गाना सीखूं। तो हम ये बात कर रहे थे ना कि मैंने कैसे करियर चुना इसको। जी, सॉरी, हाँ, अगर मैं थोड़ा भटक जाऊं तो आप मुझे रास्ते पे लाइए। पहले बात तो यह है कि आपके मन में प्रेरणा कैसे हुई जी कि जी इनसे सीखना है? जी वैसे तो किशोरी जी मेरे दिमाग में थी ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में जब मेरे चाचा जी दाजी शास्त्री पंचीकर, इनको लगा कि इसकी इसको राह मिल नहीं रही है, तो उन्होंने फिर मुझे एक बात बताया कि गुरु सेवा तुमको करनी चाहिए और गुरु से गुरु क्या सिखा करता है। तो ये उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से बताया कि गुरु क्या करता है कि अपने अंदर का जो मैल है वो मैल सफा कर देता है और अपने इष्ट को परिचित करवाता है, वो गुरु है। तो ये जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि मुझे गाना सीखना तो दूर बात है, लेकिन मैं 12 साल गुरु के साथ रह के उनकी सेवा करूंगा और गाना सीखूंगा। तो गाना वाज नेक्स्ट, पहले तो सेवा वाह, और तपश्चर्या में करूंगा, क्योंकि ये तपश्चर्या का बैकग्राउंड मेरा कटियार कालिदास घुसली के लिए बहुत बिल्कुल रेडी था, क्योंकि कटियार कालिदास घुसले में पूरा गाने का ही विश्लेषण है कि गाना कैसे सीखे, क्या क्या सीखे, घराने घराने का फर्क कैसा आपको तकलीफ दे सकता है, इसके लिए घराने की जो बेड़ियां हैं उसको निकालो और सीधा गाने की तरफ कैसे जाए। तो वो सदाशिव जो एक्टर है, जो कैरेक्टर जो है, वो इसी के लिए कि कैसे गाने के लिए समर्पित होना है, तो वो जी मेरे मन में भाव थे ही। फिर ये जागृत हो गया कि गाना तो सीखना है लेकिन 12 साल गुरु की सेवा करना है, ये मेरे मन में ठान ली। और मैं फिर गुरु का शोध शुरू हो गया, तो मैं मल्लिकार्जुन जी उनके उनको मैं मिलने के लिए गया था, पंडित जसराज जी उनको मिलने के लिए गया था,
ये सब मिलना मेरा शुरू था तब, ये तुझी वाट वेगड़ी नाटक जो है उसका भी काम उसी टाइम शुरू हो रहा था। तो ये उस जी टाइम मैंने तय किया कि गाना करना है, लेकिन किशोरी जी मेरे दिमाग के सामने बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था। जी तो वो भी एक नॉर्मली हम देखते जी कि बोलिए मेल 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 सिंगर के पास जाए, प्रेफरेबल ये होता है हमेशा, तो मैं वो भी भी यही एक सलाह बात। देता हूँ, हाँ लेकिन एक जिसको बोलते हैं ना इट इज रिटन, वो लिखा हुआ है, तो उसको मैं भी नहीं बदल सका, कोई भी बदल नहीं सका। तो ऐसे में किशोरी जी के पास जाता था, वो मेरा काम चालू था, बाकी गुरुओं के पास जाना वगैरह वगैरह सब वो सब चालू था। और वो दिन जिसको बोलते हैं जिससे मेरी जिंदगी पलट गई, तो किशोरी जी कुछ सिखा रही थी गाना, सामने साहब ने उनके स्टूडेंट्स थे और वो कुछ गा रही थी, मेरा काम वो जो गा रही है उसको रिकॉर्ड करे, बस इतना ही मेरा काम उस टाइम था। तो उतने श्रद्धा के साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा था उनके सामने, वो टेप रिकॉर्डर उस जमाने के कैसेट रिकॉर्डर रहते थे ना, तो ऐसे में जी उनके मुंह के सामने रख के ऐसे रिकॉर्ड करता था। और वो एक जगह कोई सिखा रही थी और वो सामने वाले जो बैठे थे उनको बिल्कुल आ नहीं रही थी, उनको बहुत गुस्सा हो गया। तो हम अभी मैं समझ सकता हूँ कि अगर अच्छे कोई स्टूडेंट को नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल एक सामान्य स्टूडेंट को गुरु पूछते हैं, अरे जरा ये गा के बताओ, और वो बिल्कुल बिना दिक्कत गाता है। फिर वो जो अच्छा सीखने वाला है वो जरा और ध्यान दे के गाने की चेष्टा करता है। तो वैसे ही उस दिन हुआ, अरे तुम गाना सीखते हो ना, तो चलो ये जरा गा के बताओ। और मुझे भी दिमाग में कुछ नहीं था कि किशोरी आमोनकर क्या है, ये है, हमको तो जाना ही नहीं है उनके पास, तो क्या दिमाग में लेना है। तो ऐसा करके मैंने वो तड़ाक से वो गा के बताया, और गाने वो जैसे मैंने गाया उन्होंने सामने बैठे स्टूडेंट्स को सबको बोला, अरे बच्चे के गले में दर्द है, तुम वाह ऐसे करो शाम से आना। तो उन्होंने शाम से वाह आना करके बोला मुझे, यानी कि जैसे गुरु हमें शिष्य हमेशा गुरु को सिलेक्ट करते हैं ना कि मुझे इनके पास सीखना है इनके पास सीखना है, तो मुझे उल्टा हो गया कि गुरु जी ने बोल दिया कि चलो बेटा शाम से आओ यहाँ पे। तो वैसे मैं वाह उनके पास जाता गया, और फिर यानी कि जो गाना मैं किस चीज में पढ़ा हूँ ये मुझे बाद में अंदाजा आ गया जी। तो कैसे ताई की तालीम के बारे में बताइए, क्योंकि जी जी हमने सुना है गाना, लेकिन उसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है और मेहनत है, इन सभी का अनुभव आपने उनके सानिध्य में इतने साल लिया, उसको जी जिया, आपके जी अंदर ढाला, तो वो हमें पता नहीं है। हमने तो जो उसका प्रकट सौंदर्य है वो ही देखा है, उसके जी पीछे वाला पार्ट हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में जानकर अच्छा लगेगा। क्या है, मैं यानी कि उसके थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि किशोरी जी का गाना हम ऐसे मानते हैं कि किशोरी जी का गाना सिर्फ एक ही आदमी समझ सकता है, वो है सिर्फ किशोरी जी। हम में उतनी ताकत ही नहीं है, औकात ही नहीं हमारी, लेकिन हम प्रोसेस के बारे में बात कर सकते हैं, उन्होंने कैसे कैसे हमको डेवलप करने की कोशिश की और वो क्यों किया क्या किया उनको मालूम, लेकिन जो किया उसके बारे में हम जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। तो जैसे मैं उनके पास जाना शुरू हो गया, तो उस टाइम मैं सुबह 8 बजे जाता था और 1-1.5 बजे वापस आता था, फिर 4:30 बजे जाने का, फिर 7-8 बजे वापस आने का। तो ये मेरा सिलसिला बहुत साल तक रहा। तो सुबह जाने के बाद किशोरी जी मुझे कुछ अलंकार सिखाती थी, जैसे मुझे याद है कि पहले उन्होंने मुझे राग तोड़ी में मींड का अलंकार सिखाया था, तो गोल आलाप जिसको हम बोलते हैं, वो क्यों किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके बहाने सुरों के स्थान आपके, जैसे हम बोलते हैं ना वो टेक्निकल थोड़ा सा बोलते हैं कि जी जैसे हम सा गरे म ग, तो सा गरे, तो ये दो एक्शंस होती है ना, सा से गा से रे से मा, मा से गा, तो ये दोनों एक्शन के वक्त अपना सुर दोनों टाइम सही लग रहा है क्या, ये देखने की प्रेरणा उस टाइम से मुझे शुरू हो गई शायद। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ना कि सा ग रे रे म ग, तो ये दूसरा ग जो आता है वो पहले बार जैसा नहीं लगता है, तो शायद इस वजह से मुझे एक क्वालिटी कंट्रोल, या जो सुर तुम लगा रहे हो वो बार बार वही ही लगना चाहिए, नहीं तो एक बार गंदा ऐसे लग गया, दूसरी बार दूसरा लग गया, तीसरी बार तीसरा लग गया, मैं ऊपर से चला हूं तो और एक गंदा लग गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। गंधार एक ही है, वो एक ही जगह पे लगना चाहिए, चाहे तुम अलंकार गाओ नीचे से आओ या ऊपर से आओ। तो ये कुछ
मींड मींड का उन्होंने बहुत रियाज करवाया, तो मींड के बाद में तो उनका क्या, जैसे हम अलंकार जो होते हैं, सारे गामा पैदा निशा नि दपा मा गरे ससा, तो ये जो एक आठ का सर्कल जो है, 16, 8 16 सर्कल जो है वो हमको सिखाया। फिर 2 सप्तकों की तालीम, जैसे हम सभी जगह पे होती है, लेकिन इसमें सिर्फ आकार में गाना है। तो आकार भी ऐसे नहीं जिसको एक रिजिड आकार, आकार नहीं, नॉर्मल आकार। आप जैसे मुंह खोलोगे रघुनंदन का जो आकार है वो आना चाहिए, किशोरी जी गाएंगे तो किशोरी जी का जो आकार है वो आना चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम आ करके गाओ। तो बहुत ही नेचुरल आकार होना चाहिए, ये पहली उनकी सीख थी। और हमेशा सुबह शाम हमारे सामने, हम सब बच्चे साथ में ही बैठते थे, तो सुबह शाम वो अपना गायन प्रस्तुत करते थे। और वो गायन जो है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्वर्गीय, जिसकी उपमा मैं यहाँ पे पृथ्वी पे हो नहीं सकती है, क्योंकि वो मेडिटेशन करते करते वो गाती थी, यानी कि वो मेडिटेशन ही था एक प्रकार उनका। एक राग में, चलो इसमें हम ऋषभ को बढ़ा के देखते हैं तो क्या होता है, गंधार को बढ़ा के देखते हैं तो क्या होता है, चलो हम इसमें संवाद करके देखते हैं तो क्या होता है। तो ये सब उसी टाइम की सीख है। और उनके कुछ पसंदीदा राग थे जैसे यमन, भूप, तोड़ी, अलैया बिलावल, बागेश्री, रागेश्री। और ये एक बार समझिए भूप लग गया तो 15 20 दिन, महीना, एक महीना भूप ही चल रहा है। वाह, यमन लग गया तो यमन ही चल रहा है सुबह शाम। तो ऐसे वाह, इतना टाइम हो गया होगा कि मुझे याद नहीं है वो। तो मैं एक, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा सीख लिया तो बहुत ज्यादा भूलते हैं, वैसे मेरा यानी कि थोड़ा सा हो गया है। मैंने बहुत ज्यादा सुना है तो बहुत ज्यादा मैं भूल भी गया, लेकिन वो प्रोसेस मुझे याद है। और उन्होंने काफी समझाने की भी कोशिश की है। और इसके साथ साथ जयपुर घराने के जो राग हैं, जैसे अनवट राग हैं, या उन्होंने खुद कुछ बनाए थे वो राग हैं, तो जी वो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करना, या कुछ अलंकार जो है। हाँ, उन्होंने ये एक बताया था कि जब वो गाती थी तब हमेशा मुझे ये बोलती थी कि मेरे गले से जो आ रहे हैं वो तुम्हारे गले में तुरंत आना चाहिए। तो मुझे लगता है जैसे गुरु जी की सीख, गुरु वाक्यम प्रमाणम जिसको बोलते हैं, कि मुझे उन्होंने ये बताया कि ये ऐसे ऐसे करना है तुमको, मैं सम पे कैसे आती हूँ देखो। तो मैं उस दिन से सम सम के दीदी कैसे आती है वो मैं देखता था। फिर हम यानी कि हमको, हमारा दिमाग चुस्त रहे इसके लिए वो हमेशा अलग अलग प्रयोग करके गाती थी। तो अगर हम एडमिट कर लेंगे सारे गो हो गया तो बस रेगम ही होने वाला है, तो शायद वो गप सा भी हो सकता है उसके बाद में। तो वाह, ऐसे ही इतने पैंतरे उन्होंने यूज किए होंगे कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता, लेकिन हमेशा वो देखते। और वो जो हम जिसको बोलते हैं ना लाइव सीखना, जो आजकल बहुत कम हो गया है, और उसके लिए जी किशोरी जी जैसे गुरु चाहिए, वो तो मैं हूं नहीं, लेकिन मैं उनका स्टूडेंट हूँ, यह मैं जरूर बता सकता हूँ कि उन्होंने जो जो गाने की गाया है वो मैंने गाने की कोशिश की है तुरंत। तो तुरंत का मतलब बहुत गहरा है, क्योंकि वो लाइवलीनेस जो है ना, वो तुरंत गाएंगे, वो एक कुछ समय तक रहता है वो लाइवलीनेस, वो कुछ ही समय में उसको पकड़ना चाहिए, बाद में वो उसका लाइफ कम हो जाता है उसमें से। तो शायद वो लाइफ पकड़ने की मुझे जिद उस टाइम थी, और जी मैं अकेला ऐसा था, ऐसे नहीं, बहुत लोग थे साथ में, तो सबके साथ दीदी सिखाती थी मेरे, शायद ही मुझे अकेले को उन्होंने बहुत कम बार सिखाया होगा। जी तो ये जो आपकी दिनचर्या थी, तो लगभग ये गुरुकुल के जैसा ही जी माहौल हो जी गया है। जी जी मैं सिर्फ दोपहर में खाने के लिए और रात को सोने के लिए घर जाता था, और मेरा घर बहुत नजदीक था, 5 7 मिनट की दूरी पे था, तो कभी भी मैं जब बुलाएंगे तो उनके पास जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जी, चिन्मय विश्वविद्यापीठ भी एक गुरुकुल चला रहा है, चिन्मय नादविंद गुरुकुल, और उसमें भी म्यूजिक के कोर्सेस है। अभी हम गाने में, बांसुरी और तबला में एमए के कोर्सेस वहाँ पे दे रहे हैं। उसमें गुरुकुल भी है, साथ ही यूनिवर्सिटी की डिग्री भी है। तो इसी बहाने हम आपसे ये जानना चाहते कि अगर आज के जमाने में ये गुरुकुल की कॉन्सेप्ट अगर आकार ले रही है, तो इसमें किन बातों पर ध्यान होना चाहिए ताकि सच्चे गाने की सेवा हो, जी आपके अनुभव से? जी
अभी मैं एक आपको चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा, मुझे वहां पे क्या चल रहा है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जो मैंने सुना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे एनवायरनमेंट में वहां पे सिखाया जाता है, ये मैंने सुना है। अक्सर क्या होता है कि वहां पे कोर्सेस रहते हैं, तो ये कोर्सेस को लेके आप रागदारी में तुरंत चले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले 1 साल कम से कम सुरों का स्टडी अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि वो ही तो सब सबसे सबकी नींव है। जैसे हमेशा गुरु जी बोलते थे, अगर तुमको अलंकार बनाने हैं तो पहले सोना तो चाहिए, सोने के अलंकार बनाने हैं तो तुमको पहले सोना तो चाहिए, वैसे अगर तुमको गाने में अलंकार बनाना चाहिए तो अलंकार किसके बनते हैं, वो तो सुर के बनते हैं। तो क्या सुर का तुमने स्टडी किया? तो जो हमारे गुरु जी ने जो प्रैक्टिस जो रियाज, वो सभी को कॉमन रियाज था, ऐसे नहीं कि रघुनंदन के लिए स्पेशल अलग है, सभी किशोरी जी भी वही रियाज करती थी, यानी कि एक एक सुर पे रुक के, एक एक सुर पे रुक के तंबूरे के साथ उसका क्या संवाद हो रहा है, तो वो संवाद हमेशा हर रोज आपको शुरुआत के दिनों में जब आप गाना सीखना शुरू करते हैं तो वो ऐड होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज और इसमें वो ऐड नहीं होते हैं, और मैं जरूर चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा सिर्फ सुरों के साथ रहने की प्रैक्टिस अगर हो जाए तो आधा काम तो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि सुर के साथ ही नहीं हम रहते तो पुराने लोगों को इतनी सिखाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो अपने आप ही सुर में रहते थे, सुर के साथ रहना ही उनका काम। जैसे मेरा काम गाने वाला, इसका मतलब है मैं सुर के साथ रहना पसंद करता हूँ। अगर गंधार है, मध्यम है, तो आई नो मध्यम, आई नो गंधार, मुझे पंचम का कलर मालूम है, उसका स्वभाव मालूम है, वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट है कि नहीं, इसकी ये सब वैचारिक पार्श्वभूमि जो है वो अपने आप तैयार हो जाती है, क्योंकि सुर है ये बहुत ही, जैसे विश्व है वैसे सुर है। तो ये सुर है तो उसमें अलग से जिसको जिसके साथ रह के, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ, आप ठीक समझे या ना समझे, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरे जैसे कम अकल वाला आदमी भी अगर थोड़ा सा अकलवान लगता है लोगों को, तो ये निश्चय ही सुर की महिमा है। सुरों के साथ रह रहे के आपकी भी दिलो दिमाग जो है वो भी उसके साथ रह रहे के, वो उसको भी क्या बोलते हैं, उसकी भी जागृति करता है वो, और वो जागृति सुर करते हैं। इसके लिए हमारे किशोर जी के स्टूडेंट्स या मुझ में सुर का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सुर सुर में लगाना, इतना ही अपना काम है, सिर्फ उससे ही काम हो रहा है। जी, जैसे आपने बताया कि स्वर साधना का महत्व, हम हमारे यहाँ पे 4 घंटे रोज की तालीम होती है और उसमें 2 घंटे सिर्फ स्वर साधना के लिए रखे हैं। बहुत बढ़िया, तो ये छोटी सी बात मैंने बताई। नहीं नहीं जरूर, क्योंकि मैं भी जरूर देखना चाहूंगा, जब जैसे शुरू होगा वैसे मैं जरूर आके देखूंगा कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, और जरूर मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अब दूसरा काम क्या है, सुर ही देखना, सुर ही बोलना, सुर ही सुनना, यही काम है। जी, दर्शकों को मैं एक क्वेश्चन, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है जो पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं, हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो ये यात्रा तो शुरू हुई और एक मैं बोलता हूँ कि किशोरी ताई के माध्यम से एक संगीत का विश्व रूप दर्शन आपको होने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे मैं एक मेरी व्यक्तिगत भावना है, आप मुझे क्षमा करें, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि ये जो इतना अद्भुत गाना है किशोरी ताई का, वो शायद हमें कभी आएगा ही नहीं। ऐसा कभी, मतलब ऐसी कभी निराशा भी होती है कि इतना ऊंचा हम कैसे जाए, हम क्या इसके मुकाबले में कहीं भी नहीं है। तो कभी ऐसी निराशा या ऐसी कभी भावना शिष्यों के मन में आती है, तो क्या उसका सलूशन क्या है? किशोरी जी, यानी उनका स्टडी करने की जो पद्धति थी वो इतनी यूनिक थी कि किसी भी बात की जड़ तक वो जाती थी, चाहे वो सोच हो, चाहे वो राग अलापचारी हो, चाहे वो तान तान हो, या चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी जड़ तक जाना वो उनका ये था।
और हमेशा हम जब बोलते थे दीदी ये हमको कैसे आएगा, तो वो हमेशा हमको बोलती थी क्या मैं आसमान से पढ़ी हूँ। तो मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, बहुत चिंतन किया, मनन किया, तो मुझे ये चीज हासिल हो रही है। तो तुम भी करो चिंतन मनन, तुमको भी हासिल हो जाएगी। ये उनका रवैया था हमेशा, क्योंकि वो कभी कभी भी, उनको मालूम था कि उनका गाना अलग ही है, लेकिन फिर भी बच्चों को एक साहस या प्रोत्साहन देने के लिए वो हमेशा ये बताती थी कि ऐसे मत समझो कि ये सिर्फ मुझे ही आएगा, तुमको नहीं आएगा। हमेशा सोचो कि मुझे क्यों नहीं आएगा, मुझे भी आएगा। तो ये हमेशा डरी बोलते हैं ना, हमेशा आदमी स्टूडेंट कैसे दब जाता है कि अरे मुझे कैसे आएगा ये, मुझे नहीं आएगा ये, ऐसे सोचना ही नहीं है। मुझे क्यों नहीं आएगा यही पहले उसको सोचना है, मुझे क्यों नहीं आएगा, क्या भाई मैं बददिमाग हूँ, जो है वो मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, इस बहाने आप थोड़ा थोड़ा करके समझिए 1% भी आगे गए तो अभी गनीमत है, क्योंकि जी 100% तो सिर्फ गुरु जी हैं, हम तो 1% तक जाने की कोशिश करें तो भी बहुत हो गया। जी और हाँ जी, हाँ जी तो इस जर्नी में ऐसा आपने कभी सोचा कि गाना अभी मेरा फुल टाइम प्रोफेशन ही होगा? ऐसा आत्मविश्वास आया आपको और इसी में नहीं करियर के लिए आपने चुना? नहीं ये मैं सोच के ही पढ़ा गाने में, मुझे मालूम नहीं जी आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी जो कुछ होगा वो गाने में ही होगा। तो मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं कितना गाने में तैयार हूँ या मैं गाना कर सकता हूँ या नहीं, मुझे कितना आएगा ये मैंने सोचा ही नहीं, मुझे दिमाग में ही नहीं आया है, बस मुझे गाना करना है और मैं सीखने चला गया। तो जैसे धीरे धीरे हम जिसको बोलते हैं आगे आगे हम जाते जब है, तब जैसे किशोरी जी जैसे गुरु के पास हम जब जाते हैं ना, तो उसके सच्ची गहराई में जाने का आपको मौका मिलता है। गहराई है जो है इसका मतलब क्या है कि हमेशा हम लोग ज्यादा रियाज नहीं करते हैं, हम ज्यादा चिंतन में गवाते हैं। तो मेरा मैंने जिंदगी में मैं ये बात आपको पूरी किशोरी जी को स्मरण करके मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में मैंने 1.5 घंटे से ज्यादा कभी मेहनत नहीं की। 1.5 घंटा, हाँ वो 1.5 घंटे में मेरा सुर का रियाज, बाकी अलंकार। हाँ एक बात और बताना भूल गया, हमारे किशोरी जी के जो स्टूडेंट परिवार के हैं, हम ठाट की प्रैक्टिस करते हैं, हम रागों की प्रैक्टिस नहीं करते। तो जैसे यमन अगर हमको करना है तो पहले सारे गा प नि सा नि ध प म गे रे सा, तो हम सा सा पे रुकेंगे, पंचम तक 2 सप्तक आपको करने हैं। तो फिर ऋषभ पे रुके 2-4 बार, ऋषभ देखा कैसे हैं, उसके तंबूरी के साथ क्या मेल जा रहा है, गंधार का क्या मेल जा रहा है, मध्यम का क्या मेल जा रहा है, पंचम का क्या मेल जा रहा है, ऐसे करके षडज के आके फिर उसके जो रूटीन अलंकार है, सरे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा सा, तो ये प्रोग्राम में तो नहीं गा सकते हम लोग। तो फिर गुरु जी ने बोला कि सारे ग म प ध नि सा के साथ में निरे ग म ध नि रे सा ये भी होना चाहिए। तो सरे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा सा निरे ग म ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा सा सरे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा सा निरे ग म ध। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या चाहती थी इससे, ये सोच क्या है। तो आपको किसी इसमें अटकाव नहीं होना चाहिए, जी तो सारे गामा से अटकाव दूर हो जाते हैं, निरे गामा से वो अटकाव पैदा होता है। तो अटकाव भी आपको मालूम होना चाहिए और फुल थाट आपको समझ में आना चाहिए। तो जब गम प ध या धनी सारे हम जब किशोरी जी गाती थी तो बहुत लोग ऐसे बोलते थे अरे ये यमन में है क्या, यमन में है क्या। तो हम जब किशोरी जी से बातचीत करते थे तो बोले कि उसका सरगम गीत ही देखो। मैं बोला क्या है सरगम गीत, सो नि ध प म प ग म प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे। तो इसमें तो पूरा दिया हुआ है, तो मुझे ही जी क्यों दोष दिया जाता है। तो किशोरी जी क्या हमेशा धनी सारी, बस किशोरी जी गा जाए तो बवाल मच गए, बाकी कोई भी करे तो बवाल नहीं मचता था। तो ये है उनके बारे में खासियत थी। तो पूरा जो आपका राग जो है, जैसे ये कल्याण हो गया, खमाज हो गया, भैरवी हो गया, भैरव हो गया, तोड़ी हो गया, पूरा थाट में हम प्रैक्टिस करते थे। वाह तो ये एक प्रैक्टिस का एक अलग अंग है, क्योंकि आप अगर चलो यमन के प्रैक्टिस करो तो वो हमेशा निरे ग रे ग म ग म ध म ध नि ध, वो सोचेगा भी नहीं कभी, सरे ग रे ग म ग म प म प ध नि ध नि सा, ये सोचेगा ही नहीं। तो ये सोच जो है कि
आपको कोई दिमाग को सोच को अटकाव नहीं चाहिए। तो जी ये पहली सोच रियाज की, और आगे आके बात करेंगे, जैसे मुद्दा आएगा वैसे बात करेंगे। जी थोड़ा सा घराने के बारे में जी कि ताई का अप्रोच कैसे था, क्योंकि ताई ने अन्य घरानों से भी तालीम ली थी, अनवर हुसैन खान साहब से, अंजनी बाई से, और मैंने सुना है कि शरद चंद्र अलवरकर जी से भी उन्होंने कुछ समय, बहुत कम समय, लेकिन तालीम ली थी। तो ऐसे अनेक अन्य घरानों से भी ताई ने गाना लिया था, तो सिखाते समय उसका कैसे वो कभी बताती थी कि ये इस घराने से आई है बात, या नहीं, ये हमें देखिए क्या है कि एक पहले हम किशोरी जी के स्टाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जयपुर घराने की स्टाइल और किशोरी जी की स्टाइल, ये दोनों एक ही है, लेकिन एक का रूप है। जैसे मैं कुछ चीजें मैं जो मैंने बच्चों से बात करते करते मुझे भी समझ में आ गई है, एक थोड़ी सी बोलू मैं। जी 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 तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो अल्लाह दिया खास साहब, यानी कि बड़े गुरुजी जिनको बोलते थे, तो उनकी जो घटनाएं हैं कि उन्होंने जब गाना शुरू किया तो द्रुपद दमार से किया, फिर वो गाने लगे, फिर उन्होंने उसको उस टाइम मुसाफिरी हम बोलते थे। एक बार लड़का गाना सीख के रेडी हो जाए तो उसको मुसाफिर के लिए भेजते थे, जिसको हम मराठी में देशाटन बोलते हैं। जी तो वैसे उनको भी भेजा था, तो वो हर एक जगह पे जाके 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 अपना गाना प्रस्तुत करके आते थे। तो एक बार ऐसे हो गया, आमलेटा संस्थान करके था, तो आमलेटा संस्थान में उन्होंने जब, वो उधर के राजा बहुत ही गाने के शौकीन थे, तो कुछ उनके यहाँ शायद 15 दिन हो गए, 1 महीना होगा या 2 महीना होगा, मुझे वो टाइम समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जितना भी टाइम था तो खास साहब से उन्होंने इतना गाना सुना कि सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, रात को 4 घंटे, ऐसे उनका सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। तो समझिए कि 1.5 महीना तक चला होगा। तो ये 1.5 महीने का परिणाम क्या हो गया कि उनके गले पे तान, यानी कि तान जिसको मराठी में बोलते हैं, गले में स्ट्रेस असर हो गया, जी स्ट्रेस हो गया, और उसके बाद उनकी आवाज ही चली गई। तो 2 साल वो गा नहीं पाते थे, यानी कि जैसे गोविंदराव टिम्बे जी की किताब में उन्होंने लिखा था कि उसके पहले वो विलंबित, यानी कि आलापचारी, बोल आलाप, बोल तान, ये सभी अंग बराबर गाते थे आवाज जी जाने के पहले। फिर आवाज उनकी जब चली गई तो 2 साल उन्होंने आकार साधना की, वो आकार साधना से थोड़ी थोड़ी आवाज वापस आने लगी, तो वो आवाज को सूटेबल उन्होंने अपनी स्टाइल बनाई, क्योंकि वो म्यूजिकल जीनियस उनको बोलते हैं जी कि उनका उन उनको उनका गाना सुनने के बाद कोई भी उनके चरण ही पकड़ लेगा, ऐसे उनकी झुकी जाएगा, ऐसे उनके व्यक्तिमत्व था, उनका गाना था। तो वो आवाज को सूटेबल गायकी उन्होंने जो बनाई, उसको हम बोलते हैं जयपुर घराने की गायकी, जो आजकल जी प्रचलित है, क्योंकि उनके आवाज को वो सुटेबल थी, तो वही उन्होंने सभी सभी लोगों को सिखाया। इसका मतलब है आवाज जाने के पहले उनके गाने में आलापचारी थी। अभी जी हम शिफ्ट टू किशोरी जी। किशोरी जी भी पहले जयपुर घराना, और सब ये जैसे दिमाग तेज, गला तेज, कितनी स्पीड से तान जा रही कुछ पता नहीं, सब भौचक के लोग रह जाते थे। उसके बाद किशोरी जी की आवाज चली गई, वो किशोरी जी की आवाज भी 6-7 साल नहीं काम कर रही थी। तो उस टाइम किशोरी जी ने चिंतन मनन थेरेपी और स्वरमंडल का सहारा लेना उस टाइम शुरू कर दिया था। तो गा तो नहीं पा रही थी, तो स्वरमंडल छेड़ के वो अंदर ही अंदर गाती थी, और जो वो गाती थी, वो जैसे आवाज उनकी वापस आ गई, तो उसको एक और ही तेज, जिसको बोलते हैं, और ही उसमें 4 चांद लग गए थे। और वो जो वहां पे जो अल्लाह दिया खास साहब के यहाँ जो आलापी छूट गई थी, वो यहाँ पे वापस आ गई। जी वी कैन से, ऐसे हम सोच सकते, ढोबर मानानी अपन मंटो ना, बड़े स्केल जी पे हम ऐसे सोच सकते हैं कि शायद ये एक कनेक्शन है, ये एक लिंक है जो मुझे दिख गई। तो वो उसके बाद में, यानी कि किशोरी जी आलापचारी में ही ज्यादा विश्वास रखती थी, लेकिन अगर जयपुर घराने का राग है तो उसमें फिर वो आकार और बोल आलाप, बोल तान, वो सभी वही ढंग से होगा। लेकिन अगर जी ट्रेडिशनल राग है, जैसे यमन, बागेश्री, भूप, ये जो ट्रेडिशनल पारंपरिक राग है, तो उसमें फिर किशोरी जी अलग अलग प्रयोग भी करती थी। कभी शब्द लेके आलाप करो, कभी आकार से ही आलाप करो, तो आलाप के भी बहुत ही सेक्टर्स थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कैसे कैसे हम आलाप कर सकते हैं,
तो एक बार यमन राग को हम सबसे, यानी कि स्टडी के लिए और सुनने के लिए सबसे बेहतरीन, यानी कि रागों का राजा हम बोल सकते हैं। तो ये क्यों है, ये बोलते सिर्फ है लेकिन क्यों है? एक तो उसके यमन के साथ हम कितना भी टाइम बिताया तो भी आप बोर नहीं होते। जी यमन में आप सभी, जैसे आलापचारी किस चीज से चलती है? स्वर संवाद से चलती है। उसका एक हिस्सा स्वर संवाद है, जी यानी कि साग साम साप, सापा ये सभी संवाद यमन में सिद्ध हो जाते हैं। यू कैन अप्लाई एनी संवाद इन राग यमन और एनी संपूर्ण राग, लेकिन यमन क्योंकि उसके साथ आप कितना भी टाइम बिताएंगे आपको ऐसे नहीं लगेगा अभी बस, नहीं नहीं और आधा घंटा चलेगा, नहीं नहीं और आधा घंटा चलेगा। तो इसमें ये राग जो है वो ईश्वर की ऐसी निर्मित है कि जैसे कि हम एक भगवान की मूर्ति देखते देखते हमको उससे दिल ओझल नहीं होता है, आंखें हम उससे नहीं, हमको निकालनी नहीं आंखें, वहीं वहीं पे आंखें टिकी रखनी है, वैसे ये राग है। तो इसके लिए यमन में ये सभी सारी सिद्धताएं होती हैं। दूसरा हम बोलते हैं जैसे घरानों का आपने बातचीत की, जी। तो कभी कभी किशोरी जी का जैसे बोलते हम पतियाला स्टाइल से हम जाते थे, तो पतियाला में जो हमको बताया गया है, मैंने ज्यादा पतियाला तो सुना नहीं है लेकिन थोड़ा सा गमक युक्त आलाप चाहिए, जैसे आ, 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 जो ये टाइप जो है वो टाइप में, या तो घसीट अंग जिसको सारंगी से घसीट बोलते हैं ना, ऐसे अंग हैं। और यमन तो खास करके दीदी हमेशा बोलती थी ये वीणा का अंग है, जैसे हम सतार में ज्यादा अच्छा सुनने को लगता है, जैसे टाओ 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 टाओ, तो ये तो आकार में नहीं कर सकते हम, तो इसके लिए शब्द का सहारा हम ले सकते हैं। जी मो मन लगन लगी तुमी सन, मो मन, तो ये टाइप से आप अलग कर सकते हैं। कभी आप टेक्निकली यानी कि टाइम थियरी हम जिसको बोल सकते हैं, कि जैसे मैंने ये मेरी स्टार्ट होगी, फिर मैंने तो मैंने हर एक सुर को अलग अलग टाइम मैंने अलॉट किया, जी तो वो अलॉटमेंट ऑफ टाइम इन स्वर इन आलापचारी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और जो जिसके बारे में चर्चा कितनी भी की जाए वो कम ही है, क्योंकि जैसे हम एक उसका जो प्रोग्रेशन मानते हैं, पहले हम षडज डेवलप करते हैं, निषाढ डेवलप करते हैं, धैवत पंचम, फिर ऋषभ गंधार मध्यम, तो इस प्रोसेस में ये अलग अलग पहलू बहुत काम करते हैं, और ये सभी का स्टडी होने के बाद में आपकी जो एक सोच है वो आपको क्या बता रही है। तो यहाँ पे लाइव म्यूजिक को किशोरी जी हमेशा बहुत ज्यादा महत्व देती है, कि मैंने रटा रटाया जो है मैं नहीं गाऊंगा, आज मुझे क्या यमन बता रहा है वो मैं गाऊंगा। मैंने गुरु जी ने मुझे, अगर आप देखेंगे दर भैया ये तुमने क्यों गाया, क्योंकि मेरे गुरु जी ने ये सिखाया, ऐसे हम जो किशोरी जी के पास सीखे हैं वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमने ध और री की संगति की है और उसको फिर से दैवत पे लाके साम संगति सिद्ध करने की कोशिश की है, फिर उसको षड्ज पे लाके सिद्ध किया है हमने। तो ये जिसको हम बोलते हैं, और एक जिसे बात करते करते अब मैं जरा भटक जा रहा हूँ तो मुझे रोकिए है, क्योंकि जो जैसे मुझे दिखता है मैं बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ नो प्लानिंग, तो आप हमेशा कहिए, हम समापन की ओर जा ही रहे, लेकिन आपका ये मुद्दा खत्म करके बाद में जाए। जी जी तो हम एक कटोरा लेंगे और उसमें पानी लेंगे, तो वो पानी में मैंने एक येलो कलर की ड्रॉप डाली, तो वो पानी येलो कलर का हो गया, उसमें मैंने ब्लू डाली तो वो ब्लू और येलो हो जाएगा, फिर मैंने रेड की ड्रॉप डाली, ये कैसे होता है ना, ऐसे भी हम गाने में बहुत बार ट्राई करते हैं। देखिए ये
ये सब्जेक्ट को लिमिट नहीं है, मैं कितने भी घंटे बोल सकता हूँ इसके बारे में। तो ये हम गाने में हमेशा देखते हैं कि निषाद के कलर और सरज मिलाए तो कैसे दिखाएं। अच्छा निषाद और ऋषभ अगर मिलेगा तो कैसे दिखेगा, अच्छा रे और नी कैसा दिख, ये तो बहुत सूक्ष्म विचार है, लेकिन हाँ ये सूक्ष्म विचार ही किशोरी जी हैं, ये इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो उन्होंने जो गाइडलाइन पे हमको बताया है वो मैंने समझने की आज तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि किशोरी ताई जितना क्लासिकल गाती थी उतना ही लाइट वो बहुत बढ़िया गाती थी, उनको कॉर्ड सिस्टम भली भांति आती थी, और बाकायदा उन्होंने हमको हाथ में हारमोनियम लेके गजल ठुमरी भजन अभंग जो है वो सिखाए हैं। तो मुझे भी कोई भी गाने में मुझे दिक्कत नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं समझता कि ये कम दर्जा है और ये ज्यादा दर्जा है, यहाँ पे सुर है वहां पे दर्जा तो कायम ही हो गया, उसमें क्या कम ज्यादा, वाह वाह सड़ज है तो सड़ज ही है ना बस। जी जी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि आपको रोकू, और ये टॉपिक भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन समय की पाबंदी है। तो एक अंतिम सवाल करता हूं कि एक साधक कलाकार, उसकी संगीत से क्या अपेक्षा होती है और संगीत के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? मेरे दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है, आपने संगीत ये शब्द यूज किया है, जी तो मैं क्यों गाता हूँ ये पहले देश सोचना चाहिए। आज ही मैं सुबह मैं किसी स्टूडेंट को बता रहा था कि मुझे सच में वो सुर गाने में आनंद हो रहा है, इसलिए मैं गा रहा हूं। उससे आपको प्रसिद्धि मिलना, पैसा मिलना, ये दूसरी बात होगी। मेरे पिताजी ने एक अच्छा अच्छी बात आपने निकाली है, तो पिताजी ने जैसे मैंने गाना करने का तय कर लिया तो पिताजी ने मुझे एक ही चीज बताई, वो बोले कलाकार तो जैसे हम मराठी में बोलते हैं पायलीला पचास, हाँ कलाकार तो पायलीला पचास मिलते हैं, एक आप कटोरा डालेंगे तो 50-60 तो उसमें निकलेंगे, आजकल वो आंकड़ा बढ़ गया है 100-200 हम कर सकते हैं, लेकिन कलाकार बन के जीने का आनंद किसी एक हाथ दूसरे को ही मिलता है, लेकिन अगर तुमको मिला तो हमको आनंद है उसमें, लेकिन अगर वाह नहीं मिला तो तुम पछताओगे नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे आनंद के विषय में तुम हो, तो ये आनंद तुम्हारे साथ में है, ये आनंद ही तुम्हारी यात्रा है। तो ये पहले दिमाग में तय होना है कि मुझे नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, बट मैं मेरे आनंद वाले क्षेत्र में हूँ, जॉब सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं ना, मैंने तंबूरा उठाया गाना शुरू किया तो आनंद ही आनंद है। तो वाह आपको इसके बारे में एक और एक छोटी सी बात बताओ फिर आप एंड कर सकते हैं। जी तो किशोरी जी की एक सहेली थी विभा ते देशपांडे करके, वो बहुत ही डेथ बेड पे थी और वो बहुत ही प्रश्न बहुत ही पूछती थी वो, तो एक बार मैं उनको मिलने के लिए गया था, कैसी हैं आप वगैरह सब बातें हो गई, तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, रघु मुझे यह बताओ कि तुमको आनंद कब होता है, तुमको दिल से आनंद कब लगता है। तो मैंने तुरंत विद इन अ सेकेंड बोल सकते या विद इन हाफ मिनट मैंने उनको बता दिया, मैं दो व्याख्याएं कर सकता हूँ आनंद की। तो एक तो जब मैं सुर गाता हूँ तब आनंद ही आनंद है, दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है मेरे लिए, मैं अभी गा नहीं रहा हूं तो मुझे कुछ उसका ये नहीं है, लेकिन मैं जब तंबूरे के साथ तंबूरा सुन के मेरा सुर सुन के वो जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आनंदमय है, तो वाह उसी में मुझे ये आनंद है। और दूसरा मैंने एक बार उनको प्रोजेक्ट किया, और एक आनंद मुझे एक बार हुआ था कि जैसे एक बार किशोरी जी ने मुझे ये सब अभी जो थाट प्रैक्टिस रियाज अलंकार जो है वो किशोरी जी कुछ कर रही थी, उन्होंने बोला चलो तुम्हारा रियाज करो तुम, और वो अकेली बैठी थी और मैं गा रहा था, तो अचानक क्या उनको लगा मालूम नहीं मैं बहुत ही तल्लीनता से गा रहा था, तो एक 25-30 मिनट होने के बाद में उन्होंने मुझे नजदीक बुलाया, आओ नजदीक आओ, और 1-2 मिनट मेरे सर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा था, वो क्या बोल रही थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन 1-2 मिनट में एक ऐसे सर पे उन्होंने हाथ रख के पूरा 1-2 मिनट उन्होंने ये किया, तो मैं बोला ये एक मेरी अचीवमेंट है।
कि गुरु जी को अपने आप लगा कि मेरे सर पे हाथ रखे। मैंने नहीं बोला उनको मेरे सर पे हाथ रखो, लेकिन मेरी जो लगन है वो लगन नहीं उनको बता दिया, उनको लगा कि इसको आशीर्वाद मिलना चाहिए। जी तो इतनी लगन तो कम से कम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर गाना ना सीखे, क्योंकि ये पूरा लगन का मामला है, संवाद का मामला है। तो एक अनुभूति है, वो अनुभूति लेने के लिए हम गाना ट्राई करें, गाने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का अभ्यास ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत अपने यहाँ भगवान जैसे गुरुतुल्य लोग होके गए हैं, वो सबका स्टडी करना चाहिए। और किशोरी जी ने भी यही बताया हमको कि किसी का भी सुनो लेकिन कुछ उसमें से ले लो, ऐसे ही खाली वापिस मत आना। वाह जी, इसी नोट पे हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। इच्छा जरूर ना होने के बावजूद भी, क्योंकि समय की सीमा है, जी जी बहुत ही प्रेरणादायी आपका आपके विचार सुन के, कैसे रियाज करें और कैसा एटीट्यूड रखें संगीत के लिए, ये सभी हम शिष्यों को, हम साधकों को सीखने जैसी बातें हैं। फिर से हम गुरुकुल में आपको जब भी मौका मिले जरूर जरूर आपको इनवाइट करेंगे और आपके ज्ञान से फिर से और लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे। जरूर जरूर, आपको प्रणाम करता हूँ सभी चिन्मय विश्वविद्यापीठ के शिष्यों की तरफ से, जी जी और बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ आपने समय हमारे लिए निकाला। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ विदुषी मंजूषा ताई पाटिल जी को, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आज हमारे साथ वो जुड़ी भी है इंटरव्यू में, और हमारे विश्वविद्यापीठ के सभी सीनियर्स, हमारे वाइस चांसलर, डीन, हमारे गुरुज, हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम, मेरे कलीग्स, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आईटी टीम से जिनका हमें सहयोग मिलता है, अरुण जी, और मीडिया टीम, सभी को धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार पंडित रघुनंदन पणशीकर जी को प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ, और प्रार्थना से इस कार्यक्रम का समापन, प्रार्थना के बाद वीडियो देखकर हम विदा लेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।